जी दोस्तों, ब्रेक तो बाद एक बार फिर तुहाड़ा स्वागत है। और गल बड़ी गंभीर विषयां ते साडी अज चल रही है। और साडे नाल रिशनीत जिहड़े हैगे ने अरोड़ा लुधियाने तो, जिहड़े कि एथिकल हैकर ने, पॉजिटिव जिहनूं कह सकदे हां कि इहनां दी लोड़ अज हिंदुस्तान की पूरी, चाहे वह पुलिस प्रशासन है, चाहे वह प्राइवेट कंपनीज ने। मैं एक लिस्ट, मैं तुहानूं एक छोटा जिहा डाटा जिहड़ा हैगा, ये मेरे कोल जिहड़ियां कि ऑफिशियली कंपनीज जिन्हां दे विचों रिलायंस कंपनी जिहड़ी हैगी है वह भी इन्हों तो काम करवाई। ICICI बैंक हो गया, पंजाब पुलिस, गुजरात पुलिस, CBI, रैलसन एवन साइकिल, तो होर बहुत सारे डिपार्टमेंट ने जिहड़े कि इहदी इस यंग मुंडे की सेवा लै रहे हैं। सो अज के समय के बड़ी गंभीर समस्या दोस्तों, फ्रॉड जिहड़े कि जिन्हां बारे सानूं जाणू नहीं। एक सीधा फ्रॉड हुंदा कि थोड़ू थोड़ू कोई पैसे लैके भज गया, एक हुंदा साइबर क्राइम दे नाल, मतलब किसी ने कतल करता, कोई मर्डर करता, मुड़ के लुक गया, जां किसी ने कोई SMS किया, कोई डाटा जिहड़ा हैगा उह चोरी हो गया, जां किसी ने WhatsApp तरह ही मैसेज भेजे, फिर मैसेज वो डिलीट करते, उन्हें किवें रिकवर किया जाए, वो नाल बड़ा कुछ हल होंदा। जे मान लो किसी का कोई डाटा पूरा का पूरा क्राइम का कोई डिलीट हो गया, तो यह जिहड़ा शख्स है ये उन्हें दुबारे रिकवर कर दूगा और तुसीं दुबारे उन्हें वह फड़िया जा सकता है। क्योंकि एथिकल हैकर का काम ही यही होंदा कि जिहड़ा जुर्म किसी पर्दे के पिछे लुकया होया, जां किसी TV स्क्रीन पर, जां किसी कंप्यूटर की स्क्रीन पर, जां हार्ड डिस्क की पिछली स्क्रीन पर लुकया होया, उन्हों रिकवर करके अगे लिया। बेसिकली एथिकल हैकर का काम होंगे तो तुहाडियां सारियां वैबसाइट्स नूं, तुहाडियां इनफॉर्मेशनस नूं, तुहाडी जिहड़ी हर चीज़ नूं सेफ जिहड़ा हैगा रखा जा सके। अच्छा, CBI दे विच किहड़े किहड़े केसिस तुहाडे कोल आ? CBI दे विच केसिस नहीं है, एक्चुअली CBI नूं असीं ट्रेनिंग दित्ती है, जिहदे विच SP लैवल्स दे जां DSP लैवल दे ऑफिसर्स अवेलेबल सी, जिन्हां नूं असीं मोबाइल फोरेंसिक्स दी ट्रेनिंग दित्ती है। जिहड़े बैकएंड दे केसिस ने जिहड़े नहीं अज तक सोल्व होए, भी अगों फ्यूचर दे विच सोल्व कर सकदे ने, इदां दे एंड्रॉयड फोन दे जिहड़े वर्नेबिलिटीज ने, नवे जिहड़े थ्रेट्स आ रहे हैं, उस चीज़ नूं ट्रेनिंग दित्ती गई। अच्छा, बाई चांस कोई मतलब को बंदा WhatsApp ते मैसेज भेजदा, कोई क्राइम हो गया तो उन्हें डिलीट करते, की उन्हें रिकवर किया जा सकता? पिछे बहुत चलते IPL केस जिहड़ा अपना होया, जिहड़ा मैचिंग वाला, फिक्सिंग वाला, उहदे विच इही चीज़ सी कि वी WhatsApp तो डिलीट करता सी, रिकवर नहीं कर पाए, तो वो चीज़ टैक्नोलॉजी अवेलेबल हो चुकी है, भी आपां उन्हें रिकवर कर चुके हैं, बट वो इनक्रिप्टिड फॉर्म दे विच हुंदा, भी आपां नूं उहदे लई हैल्प की जरूरत होंगी है, जो साड़ी वर्गी हैल्प की जरूरत होंगी है, कि असं फाइल में डीक्रिप्ट कर सके, तो असं मैसेज वो कट सके। अच्छा, होर कि मतलब बेसिकली की है भी इंटरनेट के राही ज इस तरह हैकिंग के राही कि जुर्म हो सकते हैं, आप उन्होंने जुर्मों के बारे की लोगों को दस सकते हैं, भी इन लोगों तो अवेयर रहो। मेन सब तो वाला भी जी वड्डी कंपनीज ने जिन्हों को अराउंड 100+ का नैटवर्क जो स्टार्ट हो जाता, वो वड्डी कंपनी ही हो जाती है, तो उन्होंने डाटा थेफ्ट का बहुत वाला एक होंगे, भी अकाउंट्स का होंगे या सेल्स का होंगे, भी किनू अपना समान दे रहे हैं या कितों लै रहे हैं, बहुत कॉन्फिडेंशियल डाटा होंगे, मतलब इनफॉर्मेशन होंगी है जी, आप हैक हो सकती है, तो असं उस चीज़ को टेस्ट करते हैं, भी जिते तो थोड़े लूप होल्स ने, जिते तो थोड़े सिक्योरिटी वीकनेस ने, भी असं पैच करिए। एक्चुअली एथिकल हैकर्स का काम होंगे, भी कंपनी सानू इनवाइट करती है, भी साडे सिस्टम हैक करो, तुसीं सानू पुछो भी वह क्यों इनवाइट करोगे, भी अपना सिस्टम क्यों हैक करवाओगे, हैक इसलिए करवाओगी भी उस सिक्योरिटी जिहड़े उन्होंने गैप्स ने या लूपहोल्स ने, कमजोरियां ने, असीं उन्होंने कढ़ीए ते असीं उन्होंने पैच कर सकीए, ये एथिकल हैकर्स दा एग्जैक्टली काम होंदा। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो चुनी टीम चुनी सी 10 टॉप 10 दी, एक लिस्ट बनाई गई सी social.microsoft.com दे विच टॉप 10 एथिकल हैकर्स दी, ते उहदे विच तीसरे नंबर ते। इस चीज़ का कोई बेनीफिट होया? बेनीफिट तो हर चीज़ एक स्टैप बाय स्टैप होंगे, मतलब कि एक हरेक पौड़ी चढ़ रहे हैं, मैं हजे तो मैं स्टेज चढ़ रहा, तो स्टेयर है एक तरह तुम कह सकते जी। दोस्तों अजे तो यह मुंडा यंग है, 20 साल की उम्र है, और 3 साल पहला यानी कि 16-17 साल की उम्र इन्हें प्रोफेशनली कैरियर स्टार्ट किया, और नियर अबाउट 13-14 साल की उम्र के हाथ जोड़े ने लैपटॉप से या कंप्यूटर से आ गए थे। बेशक उदों लैपटॉप को खोलना या उसके हार्डवेयर को खोलना माड़ा एक्सपीरियंस रहा, लेकिन कई बार की होंगे कि माड़ा एक्सपीरियंस भी तो तजर्बा भी है, बहुत चंगी गल तो सिखा जाता है। आप अक्सर जो मैं गलबात की शुरू की, जो मेरे को स्टूडियो आया तो पहला तो मेरे मन में कई सवाल थे, यार मैं इंटरव्यू करूँ की, मैं तो की पुछूंगा, क्योंकि होंगे ही है, क्योंकि पहली बार इन्ना यंग मुंडा, छोटी उम्र का मुंडा मेरे अगे इंटरव्यू मैं दे रहा है। फिर हौली हौली जो मैं सारा लिटरेचर देखा, हौली हौली सारा कुछ मैं डाटा वाल मैं ध्यान मारिया, तो फिर मेरे मन में एक विचार आया, यार भी बड़ा कुछ है, बहुत गल्लां ने जिहड़ियां इहदे नाल कीतियां जा सकदियां, जिहड़ी कि मैं पहला कदे अपनी लाइफ के नहीं कीतियां। सो मैं भी इहदा थैंक्स करदा कि मेरी नॉलेज दे विच भी काफ़ी कुछ वाधा होया। जे आपां गल करिए एथिकल हैकर की, गल करिए असीं अक्सर अखबारों राही, मैगजीन राही या TV राही असीं सुणदे हुंदे सी एथिकल हैकर भी होंदे ने, लेकिन एथिकल हैकर का बेसिकली काम की हुंदा, वो अज सानूं उस चीज़ का ज्ञान होया। सो असीं धन्नवाद करदे हां खहरा साहब का, जिन्हां ने
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹ ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਰਾਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੋ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਐਥੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਨਾ ਭੜ ਗਈਏ, ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਜੇ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਅਵਾਰਡ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਸਟੇਟ ਅਵਾਰਡ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਯੰਗ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਯੰਗ ਮੁੰਡੇ ਅੱਜ ਇਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹੇ ਕਿ ਗੱਲ ਕਿਸ ਯੰਗ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ, ਕਿਉਂ ਇਸ ਕਰਕੇ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਲੈਨਿੰਗ? ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਧਮਾਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਪਲੈਨ, ਕੋਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਰਿਸਰਚ, ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਖੋਜ, ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਰਿਸਰਚ ਤਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦਿਮਾਗ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਿਸਰਚ ਤਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ, ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਅੱਛਾ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਾਰੀ? ਹਾਂ ਮੈਂ IT ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ। ਦੋਸਤੋ IT ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਵੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਓ ਵੀ ਹਜੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਹਜੇ ਉਮਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 20 ਸਾਲ ਹੈ, 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਜੇ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਮਰ ਵਧਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ। ਦੋਸਤੋ ਨਸ਼ੇ ਚੰਦ ਬੰਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਅਣਗਿਣਤ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਵਿਦਵਾਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਔਫਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਵੀ ਤੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ, ਕੋਈ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਵੀ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਆਫਰਸ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਕੋਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਵਰਕਆਊਟ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਲਈ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਕਦੇ ਮੁਜਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਦੇ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੜਾਤਾ ਸਾਨੂੰ? ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਮਾਇੰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਮਾਰ ਸਕੇ ਨਾ ਕੋਈ, ਇੱਦਾਂ ਜਾਕੋ ਰੱਖੇ ਸਾਈਆਂ ਮਾਰ ਸਕੇ ਨਾ ਕੋਈ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪੁੱਠੇ ਪੰਗੇ ਲਈ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਉਣੀ ਹੋਈ ਉਹ ਤੋਂ ਆਈ ਜਾਓ। ਬਟ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਵੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਟਰੱਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਅਤੇ ਕਹਿ ਦੇਈਏ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਆਈ, ਜਾਕੋ ਰੱਖੇ ਸਾਈਆਂ ਮਾਰ ਸਕੇ ਨਾ ਕੋਈ, ਅਤੇ ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ।